never dally. So, scared of exams. और वो भी क्यों ना, 2 months रह गए हैं एग्जाम्स के लिए, एग्जैक्ट 2 months रह गए हैं और कोचिंग्स ऑलमोस्ट सारी खत्म हो चुकी हैं इस टाइम पे. हमारा सिर्फ सेल्फ स्टडी टाइम है इस टाइम, और सेल्फ स्टडी टाइम इज द मोस्ट डेंजरस टाइम. क्यों? क्योंकि इस टाइम आप किसी भी टीचर से कोचिंग लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप ये 2 महीने सही से यूटिलाइज नहीं करोगे तो कोई टीचर, कोई इंस्टीट्यूट आपको पास नहीं कर सकता. इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी. अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी से वर्क नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आप उस क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पाएंगे जो इंस्टीट्यूट आपसे रिक्वायर करता है. इंस्टीट्यूट क्या रिक्वायर करता है? इंस्टीट्यूट रिक्वायर करता है कि आप में और लोगों से कुछ इतना डिफरेंट हो कि इंस्टीट्यूट आपको आगे प्रोसीड करवाना चाहे इस प्रोफेशन के अंदर. उसके लिए देखिए, आपको प्लानिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. प्लानिंग फॉर व्हाट? आप अपने सब्जेक्ट की प्लानिंग कीजिए कि आपको कैसे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है. एक प्रॉपर बैलेंस बनाइए थ्योरी सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बीच में. हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को इतना ज्यादा पढ़ते हैं, इतना वास्ट पढ़ते हैं कि उस पर तो हमारी कमांड हो जाती है, उस पर मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. जिससे क्या होता है, हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो पास कर जाते हैं बट थ्योरी सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स क्या होते हैं, 34-35. लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 34-35 पे इंस्टीट्यूट हमें पास कर देगा क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे हैं. हमें क्या करना पड़ेगा, थ्योरी सब्जेक्ट में भी तो एटलीस्ट 40 मार्क्स लेके आने होंगे, और उस 40 मार्क्स लाने के लिए भी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. सो स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपको कब थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना है, कब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना है. डोंट डू दिस कि आप सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हो और थ्योरी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया. अब थ्योरी सब्जेक्ट हो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में कुछ वेटेज होते हैं चैप्टर्स के, जो हर एग्जामिनेशन में ज्यादा मार्क्स के पूछे ही पूछे जाते हैं. तो डू वन थिंग, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कैटेगराइज करो एबीसी एनालिसिस के बेसिस पर. एबीसी एनालिसिस फॉर व्हाट? आप उन चैप्टर्स को, जो चैप्टर्स आपके ज्यादा वेटेज रखते हो, हर बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनको ए कैटेगरी में रखिए जिसमें वेटेज काफी ज्यादा होता है. जो एस्पेक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टेक्निकल होता है, समझने में दिक्कत होती है, लेकिन एक बार समझ आ जाते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. जैसे अकाउंट्स में अमलगमेशन, पार्टनरशिप, इंश्योरेंस क्लेम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारे हमारे ए कैटेगरी के एनालिसिस हैं, ए कैटेगरी का पार्ट है. क्यों? क्योंकि इसमें हमें थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज चाहिए, थोड़ी सी एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए. फिर आती है हमारी बी कैटेगरी. बी कैटेगरी में कौन से चैप्टर्स आएंगे, जिनका एवरेज वेटेज रहता है मार्क्स का, जो पूछ लिए जाते हैं, जनरली पूछे जाते हैं, 90% केसेस में पूछे जाते हैं, और जो फ्लो में निकल जाते हैं, अगर आप उनको पढ़ोगे वो फ्लो में हो जाएंगे, उनके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बी कैटेगरी के ऐसे सब चैप्टर्स हुए. सी कैटेगरी में कौन से चैप्टर्स है? सी कैटेगरी में वो चैप्टर्स है जो कभी कभी रेयरली इंस्टीट्यूट का मन करा तो पूछ लिया, अदरवाइज वो पूछेगा ही नहीं. ऐसे चैप्टर्स पे क्या हमें टाइम वेस्ट करना है अपना? आंसर इज नो. उनके लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में है क्या. तो अपने ऑन द डे वन अपने आप को रिटेन प्लान बनाइए, डिसिप्लिन कीजिए. सुबह उठने से रात को सोने तक का एक एक मिनट का आपके पास हिसाब होना चाहिए कि आपको क्या करना है. स्टार्टिंग में कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, सुबह कौन सा पढ़ना है, शाम को कौन सा पढ़ना है, रात को कौन सा पढ़ना है, कितने बजे तक पढ़ना है, और हर एक सब्जेक्ट में आपको बैलेंस बनाना है. ये मत करिएगा कि थ्योरी सब्जेक्ट के साथ जो हम सौतेला व्यवहार करते हैं वो सौतेला व्यवहार नहीं करिएगा, अदरवाइज इंस्टीट्यूट फिर सौतेला व्यवहार करेगा. देखिए, प्लानिंग, स्टडी सब करते हैं. अगर वो सीए करने आए तो स्टडी सब करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि 100 में से सिर्फ अगर 10 स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, और इवन इस बार तो 7% रिजल्ट था, तो अगर सिर्फ 7% बच्चे पास हो रहे हैं तो बाकी जो 93% स्टूडेंट्स हैं क्या वो मेहनत नहीं कर रहे? मान लीजिए 93% स्टूडेंट्स में सिर्फ 40% मेहनत नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बाकी के तो मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन वो पास नहीं हो रहे. क्यों? बिकॉज दे डिडंट प्लान. वो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं. तो सिर्फ मेहनत भी मत कीजिए, स्मार्ट स्टडीज कीजिए. अब ये स्मार्ट स्टडीज कैसे करनी है, और यार इतनी मेहनत करने के लिए कहां से मोटिवेशन आए, कहां से क्या हो ऐसा कि हाँ हम बस लग जाएं पढ़ाई में. तो देखिए, इसके लिए एक ही चीज है, हम जब भी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, हमारे टीचर्स ने भी, जो ऑनरेबल टीचर्स हैं, उन सबने बताया होगा, डिवोशन होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए. मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, जुनून होना चाहिए. अगर आपके अंदर जुनून है तो ये डेडिकेशन, डिवोशन,
डिटर्मिनेशन सब कुछ अपने आप आ जाएगा, बस एक चीज चाहिए, जुनून। ये जुनून ये कैसे आएगा, कैसे आपके अंदर जुनून आए कुछ करने का, कैसे आपके अंदर जुनून आए कि हाँ आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ दिस क्राउड, आई डोंट वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दिस क्राउड, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, आई वॉन्ट टू बी अ क्रीम फ्रॉम दिस क्राउड, जिसमें ये क्राउड मुझे कल देख के कहे कि हाँ यार बंदे ने कुछ कर दिखाया। ये जुनून कहां से आएगा? तो देखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक दिन आपको डिसाइड करना है, सिर्फ एक दिन आपको बैठ के डिसाइड करना है कि हाँ मुझे ये काम करना है, और चाहे इसके लिए मुझे कोई कीमत देनी पड़े मैं इस काम को करूंगा, मरते दम तक करूंगा, कोई मुझे ये काम करने से नहीं रोक सकता, खुद भगवान भी आकर मुझे काम करने से नहीं रोक सकता। आपको वो जुनून अपने अंदर लेके आना होगा, वो पागलपन, वो साइकोनेस आपको अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं, अगर आपने रामायण के बारे में कुछ सुना हो, तो अंगद एक एक वानर, कहने को सिर्फ एक वानर, लेकिन उनको राम जी की भक्ति का एक ऐसा जुनून था कि वो रावण की राजसभा में जाके अपना पैर जमा दिए, और पैर जमाने के बाद उन्होंने सबको चैलेंज किया कि किसी में अगर दम हो तो वो पैर को हटा के दिखाए, और उस पैर को खुद इंद्र जी, जिन्होंने इंद्र देवता जी तक को हरा दिया था, खुद दशानन रावण जिन्होंने की कैलाश पर्वत अपने दोनों भुजाओं से उठा लिया था, वो उस एक वानर का पैर नहीं हटा पाए थे, एक वानर का पैर। क्यों? क्योंकि उनके सर पे जुनून सवार था। किसका जुनून था? उनको राम भक्ति का जुनून था। बट आपको किस चीज का जुनून है? आपको जुनून है सक्सेसफुल होने का, आपको जुनून है उन लोगों को प्रूव करके दिखाने का जिन्होंने कभी ये कहा था कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे या आपसे कभी कुछ नहीं हो पाएगा, आपको जुनून है उन लोगों को गलत साबित करने का, और आपको जुनून है उन लोगों को सही साबित करने का जिन्होंने कभी आपके कंधे पे हाथ रख के कहा था कि एक दिन देखना ये लड़का बहुत आगे जाएगा या ये लड़की बहुत आगे जाएगी, और अगर आपसे कभी कोई कहे ना कि आपकी किस्मत में कुछ नहीं, तो उनको भी जाके ये बताना कि मेरी किस्मत तय करेगा कोई कागज का पुर्जा नहीं, मेरी किस्मत तय करेगा मेरा ये कलम, मेरे ये कर्म। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने खुद कहा है, लॉर्ड श्री कृष्ण हैज सेड, डोंट क्राई फॉर व्हाट यू लॉस्ट इफ यू डोंट फाइट व्हाट यू वांट, पहले लड़ना सीखो फिर रोना। देखिए सिंपल सी बात है, एक से है, अगर आप लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो आप अर्जुन कहलाते हैं, अगर आप लड़ते हैं और मर जाते हैं तो आप अभिमन्यु कहलाते हैं, और अगर आप लड़ते हैं और हार जाते हैं तो आप लूजर कहलाते हैं। तो डोंट एवर थिंक ऑफ लूजिंग, बिकॉज विनर्स भी हम हैं, लूजर्स भी हम हैं, डिसाइड हमको करना है कि हमें क्या बनना है, क्योंकि कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। एक शेर है, किसी बड़े शायर ने कहा है कि जिंदगी तो अपने दम पे जी जाती है, दूसरे के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे निकलते हैं। तो प्लीज डोंट ट्राई टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, टेक योर चार्ज, अपने ऊपर भरोसा करके बस आगे बढ़ो, क्योंकि कोई तुम्हें पास नहीं करा सकता तुम्हारे अलावा, कोई तुम्हारा भला नहीं कर सकता तुम्हारे अलावा। इतना जुनून ले आओ कि चाहे कुछ हो जाए, प्रलय भी आ रही हो लेकिन मुझे तो पास होकर दिखाना है। इंस्टीट्यूट 10% रिजल्ट निकाले या 4%, इंस्टीट्यूट 1% रिजल्ट क्यों ना निकाले, अगर इंस्टीट्यूट 1% रिजल्ट निकालेगा तो भी वो 1% में मेरा नाम होगा। ये जुनून आपको अपने अंदर लाना होगा, और फिर देखिएगा सीए तो क्या, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके कदमों तले ना हो। आज हो सकता है आप अकेले चल रहे हो, आज हो सकता है आपके साथ खड़ा होने वाला कोई ना हो, हो सकता है आप अकेले हो, बिल्कुल अलोन हो, लेकिन कल जब आप सक्सेसफुल होंगे तो जिन लोगों ने आज आपका साथ नहीं दिया कल वही फक्र से बता रहे होंगे कि कभी ये भी बंदा हमारे कॉन्टेक्ट में हुआ करता था। सो गाइस, जस्ट 2 महीने कुछ नहीं, सिर्फ स्टडी, सिर्फ प्रिपेयर करेंगे हम उस जंग के लिए जो जंग इंस्टीट्यूट के साथ हमें लड़नी है, और अपने आप को 7% की उस सिलेक्शन स्कीम में लाने के लिए सोचेंगे, और सिर्फ वहीं हम अपना फोकस रखेंगे। देखिए, अगर आपको अर्जुन बनना है तो सोचना भी अर्जुन की तरह पड़ेगा। अर्जुन ये नहीं सोचता था क्या होगा क्या नहीं होगा, अर्जुन सिर्फ ये देखता था कि मछली की आंख कहाँ है, अर्जुन ने सिर्फ ये चीज देखी कि मेरा लक्ष्य क्या है, और सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ सोचा। तो ये 2 महीने भी सिर्फ और सिर्फ आप यही सोचेंगे, दिन में 50 बार अपने आप से वादा करेंगे कि नहीं आप मुझे करके दिखाना है, मुझे ये अटेम्प्ट में जम दम लगा देना है, और दम लगा के मुझे इंस्टीट्यूट को दिखा देना है कि मैं किसी से कम नहीं। अगर बाई चांस आप फेल भी हो गए हो तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि जो फेल होता है उसी को असली कामयाबी का रंग पता होता है, कि जब वो कामयाब होगा तो जो कामयाबी उसको महसूस होगी वो किसी और को महसूस नहीं होगी। तो गाइस प्लीज डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग, ये मत सोचो कि इंस्टीट्यूट क्लैशिंग करता है, ये मत सोचो इंस्टीट्यूट का रिजल्ट पहले से डिसाइड होता है, प्लीज डोंट थिंक ये बहुत टफ कोर्स है, कुछ भी टफ नहीं है, क्योंकि
एक मेरे जो इंस्पिरेशन है मैं उनकी आपको बात बताता हूँ। मेरे बड़े भाई वो हमेशा कहा करते हैं कि अगर इंसान अपनी औकात पे आ जाए, अगर इंसान अपनी औकात पे आ जाए तो किसी को भी उसकी औकात याद दिला सकता है। तो प्लीज आप ये मत सोचे कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप नहीं कर सकते तो कोई भी नहीं कर सकता, और अगर कोई कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए और सिर्फ अपने फोकस पे नजर रखिए। इस टाइम कुछ मत सोचिए, सिर्फ स्टडीज कीजिए, और क्योंकि अगर एक बार आपने 2 महीने अच्छे से पढ़ लिए फिर इंस्टीट्यूट तो क्या कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता। सो गुड लक गाइज।